फूड। संडे मॉर्निंग हो तो मेरे बच्चों का फेवरेट नाश्ता है मेदू वड़ा, तो क्यों ना आज हम बनाएं मेदू वड़ा और कोकोनट की चटनी। और हाँ, इस मेदू वड़े में मैं डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे कि ये मेदू वड़ा बन जाएगा और भी क्रिस्पी, खुशबूदार और साथ में बहुत ही सॉफ्ट। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बनाते हैं ये झटपट सी रेसिपी। मैंने उड़द दाल ले ली है 250 ग्राम्स और इसे धो के 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, ये है बासमती राइस। इसे मैं मिक्सर में बारीक पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। इसे जब हम डालते हैं मेदू वड़े में तो उससे हमारे मेदू वड़े क्रिस्पी बनते हैं, साथ में बासमती राइस का एक फ्लेवर, एक खुशबू आ जाता है उसमें। देखिए, इसे बस इसी तरह से आप एकदम कोर्सली ग्राइंड कीजिए, ज़्यादा बारीक ज़्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, अब हमने जो हमारी दाल पीस के रखी है उसमें मैं ये बासमती राइस डाल दूँगी, सॉल्ट टू टेस्ट डालूँगी और इसे एक बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे फेंट लेना है। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे ये उतना ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। इसमें हम कोई भी सोडा वगैरह ऐड नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा आपने फेंटा उतना ही सॉफ्ट बनेगा हमारा मेदू वड़ा। और बासमती राइस जो हमने बारीक पीस के डाला है उससे इसकी आउटर कवरिंग क्रिस्पी होगी। अब मैं इसमें 2-4 हरी मिर्चियाँ जो मैंने काट रखी है, हरा धनिया और ज़ीरा 1 टेबलस्पून, ये मिक्स कर रही हूँ। साथ में सॉल्ट टू टेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। इसी तरह से इसे बस हमें मिक्स करके रख देना है। और चलिए बनाते हैं हम हमारी कोकोनट चटनी। मैंने 2 टुकड़े कोकोनट के लिए है, 4 गार्लिक लिया है, ग्रीन चिली 4 लिया है और थोड़ा सी धनिया लिया है। इन सबको मैं मिक्सर के जार में डाल दूँगी। थोड़ा सी इसमें मैं सॉल्ट एज पर टेस्ट डालूंगी और थोड़ा सी पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। याद रखिए, इसे भी हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है। कोकोनट चटनी थोड़ी जाड़ी रहती है तो बहुत टेस्टी लगती है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसमें पानी थोड़ा ही डालिएगा पीसने के वक्त, तो जिससे ये थोड़ी जाड़ी मोटी पीसे जाएगी। और इस चटनी को हम एक बहुत ही अच्छा सी तड़का दे देंगे। देखिए, हमारी चटनी पिस गई है। चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। एक तड़का पैन मैंने ले लिया है छोटा सी, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब मैं 1 टेबलस्पून इसमें उड़द दाल डालूंगी। जैसे ही ये थोड़ी तड़क जाएगी इसमें हम थोड़े से करी लीव्स डाल देंगे, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून राई और उसके बाद मैं इसमें 2 से 3 लाल मिर्ची डाल दूँगी। जैसे ही ये हल्का सी फ्राई हो जाएगा गैस को हमें बंद कर देना है, वरना हमारी मिर्ची और हमारे मसाले जल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इसी तरह जस्ट एक स्टर देना है, इसे गैस बंद कर दीजिएगा और इसे हम पोर कर देंगे हमारी चटनी पे। देखिए ये कितनी डिलीशियस लग रही है। आइए मैं आपको बताती हूँ मेदू वड़ा हम कैसे बनाएंगे। एक जैसे सेम मेदू वड़े बनाने के लिए मैंने एक चन्नी ली है चाय की, उसमें थोड़ा सी मैंने पानी लगाया है और देखिए इस तरह से मेदू वड़ा इस पर रख के आप बीच में होल कर दीजिए। जब इस तरह से आप मेदू वड़ा बनाएंगे तो आपके सारे मेदू वड़े एक जैसे इवन बनेंगे, बड़े या छोटे नहीं होंगे और बराबर गोल भी बनेंगे। देखिए, बस इसी तरह से आप करते जाइए और एक एक करके सारे मेदू वड़े को हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत बहुत टेस्टी बनता है और ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा आपके घर पर। जैसे ही ये वन साइड से हो जाएंगे हम इसे पलट देंगे। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, मीडियम फ्लेम पे ये बिल्कुल क्रिस्पी और अच्छे बन जाते हैं। देखिए इस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन कीजिएगा। देखिए इसकी कवरिंग कितनी क्रिस्पी हुई है। मैं आपको एक इसे तोड़ के भी बताती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर से कितना सॉफ्ट हुआ है और इसकी ऊपर की जो कवरिंग है वो बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए फ्लेक्स निकल रहे हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों।